हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो आज का जो टॉपिक है, आपको 2023 में कनाडा में क्यों आपको मूव करना चाहिए। एंड ये जो टॉपिक है, दिस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू नोवा स्कोशिया और हैलिफैक्स। मैं ओवरऑल 5 पॉइंट में आपको बोलूँगा, 5 पॉइंट्स एज ए फैमिली मैन। मोस्ट प्रॉबली अगर आप मेरे ऐसे फैमिली मैन हो, तो आपको आज के दिन में कनाडा को क्यों चूज करना चाहिए। ठीक है, नंबर वन पॉइंट, कनाडा को आपको इसलिए चूज करना चाहिए कि अगर आप अपना जो पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ जो बैलेंस होता है, राइट, अगर आप अपने लाइफ को वैसे बैलेंस करना चाहते हो, देन आपको कनाडा में ज़रूर आना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, वो आपको एक बार डेफिनेटली एक्सपीरियंस करना चाहिए। देखिए, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। प्रोफेशनल इंडस्ट्री में मेरा ऑलमोस्ट 15 साल से ऊपर, 16-17 साल ऑलमोस्ट, यस मोर देन 17 ईयर्स राइट नाउ मैं काम कर रहा हूँ, राइट। मेरे दो बच्चे हैं, फैमिली है। तो इस मिड एज में आके अभी पता चलता है कि लाइफ में वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस होने का मतलब क्या होता है या उसका वैल्यू क्या होता है। देखिए, अभी व्हाट अ नाइस इवनिंग, और मैं एक कॉफ़ी लेके मैं वॉक कर रहा हूँ, और पीछे मेरे बच्चे जो है वो इस ट्रैक में दौड़ रहा है। ठीक है, दिस इज़ लाइफ, आई एंजॉय इट। मैं इन लोगों का बचपन भी एंजॉय कर रहा हूँ, और मैं खुद भी मैं खुद भी मज़ा ले रहा हूँ, राइट, ऐसे अच्छे जगह का। और जो फैमिली टाइम होता है, वो भी मैं मज़ा ले रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है, जब मैं यंग प्रोफेशनल था, स्पेशली जब मैं 20s 30s में था, राइट, 25 26, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, या उसके बाद भी इंडिया में जब मैं था, हम लोगों का वहाँ का वर्क कल्चर यही है कि एटलीस्ट आईटी में मैं हूँ, आईटी का मैं बोल सकता हूँ, दूसरे इंडस्ट्री में मैं नहीं बोल सकता हूँ। आईटी में ऐसा है कि आप चाहे जो भी करो, रात को 8-9 बजे तक आपको काम करना होता है इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, राइट। क्योंकि बहुत ही कम कंपनी है, ऐसा कंपनी में भी मैंने काम किया जहाँ पे मैं शाम को 6 बजे तक काम करता था, उसके बाद मैं लॉग ऑफ कर देता था। लेकिन उसके बाद घर जाना, ऑफिस से घर जाना, 1-1.5 घंटे का ट्रैवल करना, और उसके बाद उतना गर्मी में पूरा एनर्जी निकल जाता था, रात में जाके और कुछ अच्छा नहीं लगता था। और इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, व्हाट आई एम सेइंग, इन इंडिया आप रात को 8-9 बजे तक काम करते हो, ऑब्वियसली ऑनशोर ऑफशोर का जो ओवरलैपिंग होता है, राइट, उसके वजह से करना होता है, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। लेकिन उसमें क्या होता है कि रात को 9-10 बजे तक अगर आप ऑफिस में रहते हो, उसके बाद आप जब घर आते होगा रात को 11-11.5 बजे, या इवन 10 बजे भी अगर आप रात को घर आते हो, राइट, तो आपके बच्चे ऑलमोस्ट या तो उन लोगों का डिनर हो गया होगा, या वो लोग सोने वाले हैं, राइट, वो लोग सोने वाले हैं। सुबह को उठ के वो लोग स्कूल जाएगा, आप भी सुबह को उठ के थोड़ा सा इधर उधर मार्केट करके आप ऑफिस जाओगे। लेकिन कभी क्या आप सोचते हो कि आप अपने बच्चों का कितना वैल्यूएबल टाइम आप मिस कर रहे हो, आप अपने बच्चों को नहीं टाइम दे पा रहे हो, राइट। मैं नहीं दे पाता था, एंड ओवर द वीकेंड ऑल्सो कुछ ना कुछ काम ऐसे होता था कि उस काम में बिजी हो जाते थे। तो बच्चों को लेके बाहर जाना, घूमना, ऐसे पार्क में आके खेलना, आप लोग मुझे बताओ कितना परसेंट लोग ये इन्जॉय करता है, कितना परसेंट लोग अपना पर्सनल लाइफ जो है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, उस प्रोफेशनल लाइफ को काम करने के बाद, पूरा काम करने के बाद भी आप बच्चों को 100% टाइम दे पाओगे, कितने परसेंट लोग दे पाते हैं, नहीं होता है, मुझे पता है। इवन कोविड टाइम के बाद अभी मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग रिमोटली, तो रिमोट वर्क करने के बाद भी हम लोग इतना टाइम नहीं निकल पाते, राइट। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न आई वुड से, मेरे लिए वो रीज़न नंबर वन है, कि अगर आपको एक्सपीरियंस करना है कि व्हाट इज़ द बैलेंस बिटवीन हाउ टू बैलेंस योर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, तो आपको कनाडा डेफिनेटली आना चाहिए। US भी आप जा सकते हो, कोई भी डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, आप कोई भी डेवलप्ड कंट्री अगर मूव करते हो, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे शाम को 5 बजे के बाद आपको कोई काम करने के लिए नहीं बोलेगा, नहीं बोल सकता है, ठीक है। शाम को, इनफैक्ट शाम को 4-4.5 बजे के बाद कोई काम नहीं करता है, ऑलमोस्ट सब बंद कर देता है, राइट, अपना सिस्टम जो भी है लॉग ऑफ कर देता है। और यहाँ पे जो लोग अदर्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों का भी सेम है बॉस, यहाँ पे शाम को 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो जाता है, जो मान लो मेडिकल क्लिनिक में काम करता है, या ऐसा जो भी काम करता है, राइट, तो 6 बजे के बाद कुछ नहीं रहता है यहाँ पे।
और जो लोग शॉपिंग मॉल में काम करते हैं, जो शॉपिंग मॉल मान लो रात को 10 बजे तक खुला रहता है, उन लोगों का शिफ्ट में वर्क होता है, वो लोग भी 8 घंटा ही काम करता है। 8 घंटा तो 8 घंटा, आपको 8 घंटे की जगह पे आपको 12 घंटा काम करने के लिए कोई नहीं बोलेगा कि आप 12 घंटा काम करोगे और आपको 8 घंटे का पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इन दैट सेंस वो चीज़ जो 8 घंटा काम करने के बाद, 24 घंटे में से 8 घंटा काम करने के बाद आप 8 घंटा सोओगे और बाकी जो 8 घंटा है वो 8 घंटा आपका पर्सनल लाइफ है, आपका बच्चे, आपके फैमिली, आपके वाइफ, आपके मदर, आपके पेरेंट्स, राइट, वट एवर, लेकिन आपके फ्रेंड्स, वो जो टाइम आप एंजॉय करोगे उस चीज़ को एटलीस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ऐसे एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में डेफिनेटली आपको ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज रीजन नंबर 1 फॉर मी। नाउ व्हाट इज द सेकंड टॉपिक, द सेकंड पॉइंट आई वुड से, अगर आप स्पोर्ट्स पसंद करते हो, राइट, इफ़ यू लव स्पोर्ट्स, और अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी स्पोर्ट्स, किसी भी एक्टिव स्पोर्ट्स में एक्टिवेट पार्टिसिपेट करे, आप भी करो, राइट, अगर ऐसा माहौल अगर आपको अच्छा लगता है। अगेन देखिए, मैं एक ट्रैक पे रहे थे, दिस इज अ रनिंग ट्रैक, मैं इसमें वॉक कर रहा हूँ इवनिंग का टाइम है, और मेरे बच्चे जो है वो अभी देखिए वो दौड़ रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे ऐसे एक्टिव रखना, नेचुरली जो एक्टिवेशन बोलते हैं, राइट, आप अगर बच्चों को ऐसे दौड़ाते हो या स्पोर्ट्स में अगर इन लोगों को रखते हो तो दैट इज़ गुड फॉर देम, राइट। क्योंकि मुझे याद है मैं बचपन में बहुत खेलता था, हम लोग बचपन में खेलने के लिए हम लोग घर में हम लोगों को डांट पड़ता था कि इतना क्यों खेलता है, लाइक बाहर जाके इसके साथ खेलना, उसके साथ करना, वहाँ पे खेलना, क्रिकेट खेलना, दौड़ना। लेकिन आज के दिन में ये सब एटलीस्ट मैं जो देखता था मेरे बच्चे इन्जॉय नहीं कर पा रहा था, राइट, मैं जहाँ पे था, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, राइट। यहाँ पे आपके बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, और बच्चों को खिलाने के लिए ऐसा नहीं कि आपको आपको बैंकक्रप्ट नहीं होना पड़ेगा, राइट, यह बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोकल म्यूनसिपलिटी सपोर्टेड बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होता है, जो भी रिक्रिएशनल सेंटर्स होता है यहाँ पे हर सीज़न में, फॉल्स में, समर में, कोई भी सीज़न में, विंटर में इन लोगों का 3 महीने का प्रोग्राम होता है, आप बास्केटबॉल में दो, टेनिस में दो, वॉलीबॉल में दो, एवरी ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स आर देयर, स्विमिंग करवाओ, मार्शल आर्ट्स करवाओ, सब कुछ है, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, $30, $40, $50, वो डिपेंड करता है सेंटर के ऊपर, कौन से सेंटर में आप दे रहे हो, ऑन एन एवरेज आई एम जस्ट टेलिंग। मेरे बच्चे आज के दिन में बास्केटबॉल खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं, तो जो भी एक्टिविटीज है, राइट, सॉकर खेल रहा है, फ्लोर हॉकी खेल रहा है, तो ऑन एन एवरेज $40 to $50 पर स्पोर्ट्स, एंड दैट इज फॉर 3 months, राइट, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट, सो दे आर टोटली एंगेज्ड, मेरे बच्चे टोटली एंगेज्ड स्पोर्ट्स में है, हर कोई स्पोर्ट्स बुक खेल रहा है, सो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। एंड सेकंड थिंग, अगर आप भी खेलने के शौकीन हो, या फिर आपके लिए भी सेम प्रोग्राम अवेलेबल है, मतलब म्यूनसिपलिटी सपोर्टेड जो प्रोग्राम्स होते हैं, रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज़ होता है, आप भी अगर चाहो आप वॉलीबॉल खेल सकते हो, बास्केटबॉल खेल सकते हो, बेसबॉल खेल सकते हो, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, आप स्विमिंग कर सकते हो अगर आपको स्विमिंग पसंद है, या का स्विमिंग पूल भी देखने लायक होता है, राइट, तो $40-$50 देके करना, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। बट प्रॉब्लम है कि जब मैं इंडिया में था, इंडिया में एटलीस्ट हम लोगों के एज में इतना ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, एटलीस्ट मैं जहाँ पे था उतना अवेलेबल नहीं था, बच्चों के लिए था, बच्चों के लिए नहीं था नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि इंडिया में टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। अगर आप अपने बच्चों को मान लो अगर आप किसी स्पोर्ट्स में टेनिस में देते हो, तो टेनिस एकेडमी आप ले जाओगे, कब ले जाओगे, आप शाम को ले जाओगे या उन लोगों के स्कूल से लौटने के बाद ले जाओगे, तो एक ही स्पोर्ट्स में दोगे वो थक जाएगा बंदा, क्योंकि वॉक पे फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, राइट, तो वही अगेन वो टाइम की बात है, इसलिए मैं बोला कि जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर फर्स्ट पॉइंट, कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ एंड आपका जो पर्सनल लाइफ है वो अगर आप मैनेज नहीं कर पाओगे, देन हाउ यू कैन असाइन टाइम, राइट, आप टाइम नहीं दे पाओगे, सो दैट इज पॉइंट नंबर 2 फॉर मी, ठीक है। व्हाट इज द पॉइंट नंबर 3? पॉइंट नंबर 3, देयर इज अ मेजर एडवांटेज, देयर इज वेरी लेस क्राइम, कनाडा में क्राइम बहुत कम है आज के दिन में। अगर जब मैं पहली बार आया था, 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब तो बहुत ही कम था, बहुत ही कम था। आजकल तो फिर भी सुनने को मिलता है, टोरंटो में, बड़े सिटीज़ में खास करके सुनने को मिलता है कि क्राइम बहुत बढ़ रहा है या क्राइम हो रहा है, बट जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तब तो एकदम बहुत ही कम था। आज के दिन में भी अगर आप कंपेयर करोगे, ऑब्वियसली यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है, राइट, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर बेनिफिट, हम लोग के देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है,
बट अगेन आई एम जस्ट लुकिंग व्हाट आर द प्रोज राइट, क्यों आना चाहिए। तो यहाँ पे क्राइम बिल्कुल बहुत ही कम है, खास करके नोवा स्कोशिया या हैलिफैक्स में तो एकदम ही कम है। ठीक है, आप रात को 11 बजे निकलो, 12 बजे निकलो, देखिए अभी जहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ ये जो सराउंडिंग से आपको कोई दिख रहा है क्या? मेरे अलावा कोई नहीं दिख रहा है आपको राइट। बट यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है मेरे पास, अभी मेरे पॉकेट में मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ पैसे सब कुछ है, दो तीन फोन सब कुछ है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई आके मुझे लूटपाट कर लेगा। तो होता है अपने कंट्री में कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है राइट, कि अगर ऐसे सुनसान जगह पे अगर चले जाते हो तो आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न होता है कि वहाँ पे वो जगह सिक्योर्ड है नहीं है राइट। तो यहाँ पे इन दैट सेंस इट्स टोटली कूल। मेरा बेटी जो बड़ी होगी राइट, अभी तो बहुत छोटी है, तो इसके लिए भी आई एम नॉट कंसर्न एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी होने के बाद अगर वो इधर उधर जाती भी है राइट, यू नो इन मोस्ट ऑफ द केसेस सी इज सिक्योर्ड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग राइट। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, और यहाँ पे जो कॉप्स है, जो लोकल कॉप्स होते हैं, दे आर वेरी मच एक्टिव। आप किसी भी जगह पे 911 कॉल करो एंड पुलिस 5 to 10 minutes के अंदर आ जाएगा, वॉट एवर द रीज़न इज। अगर आपके घर में भी कुछ प्रॉब्लम है, कोई बाहर से कुछ जो भी, वॉट एवर द रीज़न राइट, आप पुलिस को कॉल करो, जस्ट एक कॉल करो, 5-10 minutes के अंदर वो लोग आ जाएगा राइट। दैट इज़ देयर SLA, स्टैंडर्ड SLA, बट अनफॉर्चुनेटली दिस थिंग्स आर नॉट देयर येट इन आवर कंट्री राइट। तो अगेन मैं ऐसा नहीं कि इस कंट्री का अच्छी बात बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा है कि मैं अपने कंट्री का बुरा बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं एडवांटेज बोल रहा हूँ राइट। आज के दिन में जो एडवांटेज जो मुझे दिखता है राइट, सो दैट इज पॉइंट नंबर 3 टू मी। नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ पे और एक चीज़ जो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे, वो है डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, आपके बैंक में कितना पैसा है या आपका स्टेटस देख के आपके साथ लोग बिहेव करेगा या आपको सर्विस मिलेगा, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ठीक है, हो सकता है लेकिन माई स्किन इज ब्राउन एंड यहाँ पे कोई वाइट होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वाइट को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलेगा जो ब्राउन स्किन वाले को नहीं मिलेगा, या जो वाइट है मे बी ही इज अ मिलेनियर, आई एम नॉट अ मिलेनियर यहाँ पे। तो अगर ये किसी जगह पे जाएगा, मान लो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएगा, तो इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, या वॉट एवर राइट, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाएगा तो इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, बिकॉज ही इज अ मिलेनियर, आई एम नॉट अ मिलेनियर येट राइट। तो ऐसा अनफॉर्चुनेटली दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन स्टिल देयर राइट इन आवर कंट्रीज। वहाँ पे स्टेटस देख के या आपका बैंक बैलेंस देख के या आपका पावर देख के लोग आपको जज करते हैं राइट, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। सो दैट इज मे बी वन ऑफ द मेजर डिफरेंस यू नो बिटवीन डेवलप्ड कंट्री एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। एनी वे, सो वॉट आई एम सेइंग अगेन, दिस इज द एडवांटेज हेयर, कि यहाँ पे अभी तक तो मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखा दोस्तों। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो मेरा जो इंग्लिश है राइट, मैं यहाँ के नेटिव लोग ऐसे ऑब्वियसली मेरा एक्सेंट नहीं है या मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं है, या के जो लोग या के लोग जो जैसे प्रोनाउंसिएशन करके बात करता है, बट देन ऑल्सो आई डिडंट फेस एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एट एनी वेयर। ओके, सो दैट इज अ गुड थिंग, एंड पीपल हियर वेरी पीस लविंग, आई एम टेलिंग यू, वेरी पीस लविंग एंड दे आर वेरी लाइक लवली पीपल आई वुड से, स्पेशली इन हैलिफैक्स एंड नोवा स्कोशिया द नेटिव पीपल आई एम सीइंग, दे आर लाइक वेरी लवली पीपल, बहुत ही अच्छे होते हैं लोग, बहुत ही शांत होकर बात करता है, बहुत ही पीसफुल होता है, एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट और एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, दे आर मोर देन हैप्पी टू शेयर देयर इन्फॉर्मेशन विथ यू, बट ओनली थिंग ये लोग उतना शोर शराबा पसंद नहीं करते। मैं अपना एक दूसरा वीडियो दिया था, उसमें मैंने बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि रात को 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद अगर आप घर में पार्टी करते हो या बहुत शोर शराबा करते हो सकता है आपके नेबर से या आपके सराउंडिंग से कंप्लेंट करें, वो हो सकता है, दैट इज़ वन थिंग, बट दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग आई वुड से राइट। वो आपको जानना चाहिए, आप जिस जगह पे आप मूव कर रहे हो उस जगह के बारे में आपको डेफिनेटली जानना पड़ेगा। एनी वे, सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। द वन मोर पॉइंट आई वुड से यहाँ पे जो मुझे लगता है कि अफोर्डेबिलिटी एक्ट पार है, मतलब लोगों को लेकिन कोई भी अच्छा चीज़, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ राइट, आईफोन इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, बट इन माई कंट्री आईफोन स्टिल इज काइंड ऑफ स्टेटस सिंबल टू पीपल राइट। जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं उन लोगों का थोड़ा सा वो होता है राइट एटीट्यूड। मुझे पता नहीं था एक्चुअली, मैं फ़नी इंसिडेंट में जब 2016 में जब आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मेरे कुछ दोस्त हुआ था, तो मैं उस टाइम पे एक बहुत ही नॉर्मल एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता था, इतना गैजेट के लिए मेरा इतना नहीं है, मतलब आई एम नॉट मच क्रेजी अबाउट गैजेट राइट।
तो मैं नॉर्मल फ़ोन यूज़ करता था, तो मेरे दोस्तों को बोलता था तू आईफोन नहीं यूज़ करता है, मैं बोला नहीं यार मैं तो नहीं, ऐसा क्या है आईफोन में, मुझे ऐसा कुछ खास कर कुछ नहीं दिखा था। बट थिंग इज़ दैट अगर आप एक बार अगर आईफोन यूज़ करोगे तो शायद आप आईफोन ही यूज़ करोगे, क्योंकि इतना फास्ट होता है, इसका प्रोसेसिंग अच्छा होता है, कैमरा अच्छा होता है। बट एनी वे, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट टाइम इन इंडिया आईफोन वॉज नॉट अफोर्डेबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट। इवन टूडे ऑल्सो इफ यू सी अगेन, देखिए आईफोन में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई नेसेसिटी नहीं है, राइट। बट आई एम जस्ट टेलिंग फ्रॉम अफोर्डेबिलिटी परस्पेक्टिव, लोग अगर यूज़ करना चाहे, जो अपने जो यंग जनरेशन है अगर वो लोग यूज़ करना चाहे अगर, और अगर वो अफोर्डेबल नहीं है देन वो आप वो डिस्पेरिटी आ जाता है, राइट। लाइक यू नो किसी के बाप के पास बहुत पैसा है वाट एवर, राइट, दे कैन अफोर्ड आईफोन, बट एट द सेम टाइम मे बी योर ब्रदर और सिस्टर कॉलेज गोइंग है बट योर फादर कैनॉट और मे बी यू कैनॉट अफोर्ड दैट आईफोन, तब थोड़ा सा वो लगता है, राइट। कि एनी वे आई एम श्योर आप लोग समझ रहे हो, राइट, मैं जो बोल रहा हूँ। तो मैं आईफोन का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे हो गया कार्ड हो गया या कुछ भी, राइट। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सिस्टम ही ऐसे बना है कि वो अफोर्डेबल है। यहाँ पे जो मान लो जेनिटर का काम करता है उसके वो भी आईफोन यूज़ कर सकता है, और जो टॉप लेवल पर काम करता है वो भी आईफोन यूज़ करता है, या BMW, Mercedes, Audi, these are not very big deal here पे। यहाँ का सिस्टम ही ऐसे बना है, राइट। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पंजाब से आता है स्टूडेंट लोग, वो लोग लोन लेके यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है, एंड देर ऑल्सो ड्राइविंग ऑडी, दे आर ऑल्सो ड्राइविंग BMW। आई एम नॉट ड्राइविंग BMW ऑडी, मुझे ज़रूरत नहीं है, आई एम हैप्पी विथ माई टोयोटा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट। कई लोगों का शौक होता है, राइट। अगर आपका शौक है कि आप मर्सिडीज बेंज ड्राइव करोगे, तो इंडिया में वो मर्सिडीज बेंज इज काइंड ऑफ लाइक नो स्टेटस, वो स्टेटस के लिए लोग ड्राइव करते हैं, दैट इज नॉट फॉर नेसेसिटी। इंडिया में आप मारुति सुजुकी भी ड्राइव करोगे तो चलेगा, इतना ट्रैफिक में आप क्या मर्सिडीज ड्राइव करोगे, आप क्या मारुति सुजुकी ड्राइव करोगे, राइट। अभी तो रिसेंटली खबर सुना मैंने कि विराट कोहली ने अपना सभी जो भी एक्सपेंसिव कार्ड है उसने सेल कर दिया, राइट। मे बी ही इज सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल, बट एनी वे माई पॉइंट इज यहाँ पे अफोर्डेबल है, जो अपने कंट्री में उतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है अब अभी भी, ठीक है। दैट इज वन थिंग, एंड द लास्ट थिंग आई वुड से, यहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप देखो मैं इतना देर से वॉक कर रहा हूँ, अभी सूरज भी ढलने वाला है, राइट, आप लोग देख पा रहे हो। आपको कहीं पर भी कुछ भी थोड़ा सा भी लग रहा है कि मुझे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, या आई एम नॉट एंजॉइंग द ओपन एयर, अगर आप ओपन एयर एंजॉय करना चाहते हो दोस्तों, आप प्लीज़ कनाडा विजिट कीजिए, नो मैटर यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं या क्या नेगेटिव मार्केट में चल रहा है, या ऑब्वियसली फ्रॉम अफोर्डेबिलिटी परस्पेक्टिव आई वुड से आज के दिन में हाउस इज नॉट अफोर्डेबल, वो एक बड़ा बड़ा कौन से अभी हाउसिंग जो मार्केट है बहुत ही हाई है, एंड कुछ अच्छे कुछ मतलब जो भी अच्छा एरियाज है वहाँ पे अगर आपको घर लेना है तो $1 million, 800, 900, 700 के, दैट इज़ क्वाइट अनअफोर्डेबल फॉर फ्यू पीपल ऑब्वियसली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक नो इन जनरल आई एम जस्ट सेइंग, राइट, फ्रॉम अफोर्डेबिलिटी परस्पेक्टिव द कॉमन थिंग यू कैन अफोर्ड, राइट। सो द पॉइंट इज कि अगर लोग आपको बोल रहे हैं कि 2023 में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, एंड देखिए नेगेटिव भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं है, मैं नेगेटिव के ऊपर भी एक वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि नेगेटिव बातें सुन के या किसी का नेगेटिव पॉइंट सुन के आप डिसअपॉइंटेड मत होइए, दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, राइट। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, और आप ऐसा नहीं है कि आप अपना माइंड चेंज कर लीजिए, या अगर आप कनाडा में हो ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि आजकल मैं फेसबुक में ऐसा बहुत सारा पोस्ट देखता हूँ कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट गोइंग बैक टू इंडिया, ठीक है, दैट इज़ पर्सनल चॉइस, हो भी सकता है, राइट, लोगों का कमिटमेंट अलग हो सकता है, मे भी शायद कुछ सालों के बाद शायद मैं जा सकता हूँ, या आई डोंट नो लाइक नो आफ्टर 5 years क्या होने वाला है, बट व्हाट आई एम सेइंग यह का जो एडवांटेज है, राइट, उसको एंजॉय कीजिए, एंड इस एडवांटेज को आप जानिए क्या यह का एडवांटेज है। और जो लोग वहाँ पर भी रह चुका है, कनाडा में भी रह चुका है, इंडिया में भी रह चुका है, और मेरे ऐसे लोग, राइट, जो कनाडा में से दो बार वापस गया था, 2 साल इंडिया में था, पूरा चला गया था मैं वहाँ पर इंडिया में रहने के लिए, मैं फिर से छोड़ छाड़ के फिर से यहाँ पे आया, तो लाइक नो आई कैन टेल यू माई एक्सपीरियंस, राइट। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई कैन टेल यू वाई पीपल आर स्टिल लाइक यू नो शुड ट्राई फॉर मूविंग टू कनाडा, ओके, यू नीड टू मूव टू कनाडा, यू नीड टू एक्सपीरियंस दिस थिंग, देन ओनली आप समझ पाओगे कि हो सकता है नेगेटिव कुछ है, बट आप जो नेगेटिव है उसका वेट काफ़ी कम है, ठीक है, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। Anyway, so these are my points why you should move to Canada in the year of 2023, irrespective of inflation, cost of living, like you know, higher house rent, higher housing cost, all these things, right? But still, आपको Canada ज़रूर आना चाहिए। Anyway, अगर आप लोगों को और कुछ questions है इसके ऊपर, आप लोग अगर कुछ comment करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, आप लोग कुछ जानना चाहते हो आप लोग मुझे पूछ सकते हो,
एंड लाइक नो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं कनाडा के ऊपर ऐसे बहुत सारे टॉपिक लेके आने वाला हूँ और लेके आता भी हूँ ऑन रेगुलर बेसिस। एंड अगर ऐसा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, वो हम लोगों को अच्छा लगता है। एंड स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।